हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स इजी है में। तो फिजिक्स इजी है मैंने चैनल का नाम ही दी है, क्योंकि फिजिक्स इजी अगर आप उसे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते जाएंगे तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का चार्ज सेंसिटिविटी, ठीक है, और चार्ज करेंट, ठीक है, चार्ज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं चार्ज सेंसिटिविटी होता क्या है। तो चार्ज सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन इन मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर डिफ्लेक्शन में। डिफ्लेक्शन का बात आया तो समझ जाना कि कॉइल का डिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफ्लेक्शन इन मिलीमीटर प्रोड्यूस्ड ऑन ए स्केल प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ठीक है, एक डिफ्लेक्शन मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर में एक डिफ्लेक्शन जिसका हम मेजर करते हैं स्केल, ठीक है, एक स्केल से मिरर और स्केल के द्वारा, जो स्केल मिरर से एक डिस्टेंस दूरी पर 1 मीटर डिस्टेंस दूरी पर रखा गया है। स्केल प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से 1 मीटर की दूरी पर हमारा वो स्केल रखा गया है जिससे हम डिफ्लेक्शन मेजर करते हैं, ठीक है। When a charge of 10^-4 कूलम इज अलाउड टू पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर, जब हमारा 10^-4 कूलम चार्ज अलाउ होता है पास होने के लिए गैल्वेनोमीटर से, ठीक है, तो पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर इफ ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज क्यू द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर, अगर उसमें हमारा चार्ज क्यू फ्लो होता है तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर इज थीटा, ठीक है, तो हमारा चार्ज सेंसिटिविटी हो जाता है थीटा बाय क्यू। हम चार्ज सेंसिटिविटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कि द चार्ज सेंसिटिविटी ऑफ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, चार्ज सेंसिटिविटी ऑफ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द, लिख लीजिए, चार्ज सेंसिटिविटी ऑफ ए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है, द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन टू द टोटल चार्ज पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। हम किसी तरह से भी इसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, तो चार्ज सेंसिटिविटी हमारा डिफ्लेक्शन बाय चार्ज, ठीक है, तो चार्ज हो जाता है, ठीक है, चार्ज फ्लो थ्रू होता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, क्यू, तो चार्ज फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर हम लोग माने क्यू, तो चार्ज सेंसिटिविटी थीटा बाय क्यू। नाउ हम लोग बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर थ्योरी में हम लोगों ने समझा जाना था कि क्यू इक्वल टू हमारा इतना होता है, ठीक है, तो क्यू हमारा इतना होता है, तो हम यहाँ पे क्यू का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें चार्ज सेंसिटिविटी इक्वल टू इतना मिल जाएगा, ठीक है, चार्ज सेंसिटिविटी तो हमें इतना मिल जाएगा, ठीक है, तो चार्ज सेंसिटिविटी हमारा होता है रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन टू द चार्ज पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है, टोटल चार्ज पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो वहाँ पे मैंने बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के थ्योरी से जो हमारा चार्ज का वैल्यू मिला था वो पुट करके हम लोगों ने यहाँ पे चार्ज सेंसिटिविटी निकाल लिया। अब बात करते हैं करंट सेंसिटिविटी की, तो देखिए करंट सेंसिटिविटी क्या होता है। करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जो करंट सेंसिटिविटी होता है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का वो डिफाइंड होता है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है, डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू इट, पर यूनिट में हमारा कितना करंट फ्लो हो रहा है उस चार्ज में, और नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस जो होता है टू द पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू इट, उसमें पर यूनिट में कितना करंट फ्लो रहा है उन दोनों, तो हमारा करंट सेंसिटिविटी होता है ऐसा इक्वल टू थीटा बाय आई। अब हम लोग जानते हैं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल होता है, तभी तो ये कॉइल ऐसे जाता है फिर अपने जगह पे आ जाता है, ठीक है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा NBAI और रिस्टोरिंग टॉर्क के अल्फा नहीं यहाँ पे थीटा, ठीक है, तो हमारा ऐसे आ जाएगा आई इक्वल टू के थीटा बाय NBA, ठीक है, के थीटा बाय NBA थीटा, तो थीटा कैंसल, के बाय NBA, ठीक है, NBA बाय के हमारा ऐसे आ गया। तो हम लोगों ने करंट सेंसिटिविटी निकाल लिया, चार्ज सेंसिटिविटी निकाल लिया, अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन करंट सेंसिटिविटी एंड चार्ज सेंसिटिविटी। तो हम लोगों का करंट सेंसिटिविटी इतना मिला है, ऑल्सो चार्ज सेंसिटिविटी इतना मिला है और करंट सेंसिटिविटी हमें इतना मिल ही रहा है, तो हम देख रहे हैं कि जो करंट सेंसिटिविटी का ये फॉर्म वैल्यू है वो हमें चार्ज सेंसिटिविटी के अंदर मिलता है, तो NBA बाय के हम यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी लिख सकते हैं, तो चार्ज सेंसिटिविटी इक्वल टू 2π बाय t करंट सेंसिटिविटी, यही रिलेशन हो गया चार्ज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी के बीच का रिलेशन हो गया। तो अभी हमारा यहाँ पे वीडियो खत्म होता है, ऐसे यूनिट ऑफ करंट सेंसिटिविटी हमारा रेडियन एम्पियर इन्वर्स होता है, ठीक है,
करंट सेंसिटिविटी का हमारा ऐसा यूनिट रेडियन इन एम्पियर इनवर्स होता है। हाँ तो अब किस बात की देरी है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेड बटन को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकूँ।